हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन के मूल सिद्धांतों को समझने से आप किसी भी प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आसानी से समझ पाएंगे। किसी भी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए सिद्धांत और आवश्यक कंपोनेंट्स एक समान होते हैं, चाहे वह कितने बड़े या छोटे स्तर पर क्यों न हो। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी कंपोनेंट्स के नाम कुछ इस प्रकार है: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। ये सभी कंपोनेंट्स किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट का भी उपयोग किया जाता है, जो गर्मी को हटाने के उद्देश्य से इन सभी कंपोनेंट्स के थ्रू परिचालित किया जाता है। रेफ्रिजरेशन क्या है? किसी चीज या स्थान से गर्मी को हटाकर ठंडा करना ही रेफ्रिजरेशन कहलाता है। गर्मी ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसे हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। गर्मी को दूर करने के लिए हम सिर्फ इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। गर्मी एनर्जी के दूसरे फॉर्म से भी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, बिजली से चलने वाला कोई उपकरण हीट पैदा करता है, जैसे कि मोटर। भले ही आप रेफ्रिजरेशन को किसी चीज को ठंडा करने की प्रक्रिया के रूप में ही क्यों न समझते हो, लेकिन वास्तव में यह गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। आइए इसे किसी कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से समझते हैं, जहां कमरे की गर्मी को हटाकर चीजों को ठंडा किया जाता है। इसके लिए हमें किसी कोल्ड रूम के अंदर चलना होगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक कोल्ड रूम के अंदर। इसमें सिर्फ पोटैटोस स्टोर किए जाते हैं। जब ये खेतों से हार्वेस्ट कर यहाँ लाया जाता है, तो वातावरण की गर्मी इसमें मौजूद होती है। अंदर आते ही यह अपना गर्मी कोल्ड रूम के अंदर की हवा में स्थानांतरित कर देता है। इसलिए इसे दूर करने के लिए हमें इस कमरे की गर्मी को बाहर कहीं और स्थानांतरित करना होगा, और यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरा होता है। स्टेप 1, हवा को कमरे के अंदर एक रेफ्रिजरेंट क्वाइल या इवापोरेटर से होकर खींचा जाता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट इस क्वाइल से होकर बहता है, गर्मी हवा से रेफ्रिजरेंट में स्थानांतरित हो जाती है और इवापोरेटर के पार जाने वाली हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि हवा में मौजूद गर्मी को रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्टेप 2, इसके बाद रेफ्रिजरेंट एक कंडेंसिंग यूनिट में प्रवाहित होता है, जहाँ पर रेफ्रिजरेंट अंततः हवा या पानी वाले कंडेंसर के माध्यम से गर्मी को बाहर की हवा में स्थानांतरित कर देता है। आगे हम इसके बारे में जानने वाले हैं। स्टेप 3, रेफ्रिजरेंट से गर्मी को हटाने के बाद या फिर से प्रक्रिया को दोहराने के लिए वापस कमरे के अंदर इवापोरेटर में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने हवा से गर्मी को रेफ्रिजरेंट में स्थानांतरित करके कमरे से गर्मी को हटा दिया। रेफ्रिजरेंट ने इस हीट को आउटडोर कंडेंसर तक पहुंचाया, फिर इस हीट को रेफ्रिजरेंट से बाहर की हवा में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें हीट को समझना होगा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, जो अपने आप कहीं भी मौजूद हो सकता है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। गर्मी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वजन या आयतन द्वारा मापा जा सके। हीट ऊर्जा के अन्य रूपों से भी आ सकती है। उदाहरण के लिए, बिजली का उपयोग करने वाले मोटर्स गर्मी उत्पन्न करेंगे। हीट ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित गर्मी की मात्रा से संबंधित है। एनर्जी के सभी रूपों की तरह हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ गर्मी प्रवाहित होती है, यानी किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ गर्मी जाएगी। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी चैनल द्वारा जुड़े दो तालाबों में जल स्तर समान हो, तो उनके बीच कोई पानी स्थानांतरित नहीं होगा। यदि एक तालाब दूसरे से ऊंचा है, तो पानी कम ऊंचाई वाले तालाब में जाएगा। ठीक इसी प्रकार ऊष्मा भी हाई से लो की तरफ प्रवाहित होती है। तापमान के अंतर के बिना गर्मी प्रवाहित नहीं होगी। तापमान का अंतर जितना बड़ा होगा, उतनी ही गर्मी हस्तांतरित होगी। गर्मी दो प्रकार की होती है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट आणविक गति की ऊर्जा है और इसके तापमान को किसी थर्मोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। यह हमेशा पदार्थ के गर्म होने से तापमान परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, जब 0°C पर पानी का एक पैन एक स्टोव पर गर्म करने के लिए रखें, तो जब तक तापमान 100°C तक चढ़ जाता है, तब तक यह सेंसिबल हीटिंग प्रक्रिया है। तापमान बदल गया, लेकिन अवस्था चेंज नहीं हुआ, यानी कि यह लिक्विड से वाफ में परिवर्तित नहीं हुआ और न ही इसमें कोई उबाल आया। इसके तापमान को थर्मोमीटर से मापा जा सकता है। लेटेंट हीट आणविक पृथक्करण और व्यवस्था की ऊर्जा है
और इसे थर्मोमीटर से नहीं मापा जा सकता। लेटेंट हीट परिवर्तन एक स्थिर तापमान पर किसी द्रव्य का स्टेट चेंजिंग का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, यदि 100 डिग्री सेल्सियस से पानी का पैन आगे गर्म होगा तो यह उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे अधिक गर्मी जोड़ी जाएगी तब तक इसका उबलना जारी रहेगा, जब तक कि सारा पानी भाप या गैस में बदल ना जाए। उबलते समय इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ेगा। यह एक लेटेंट हीटिंग प्रक्रिया है। तापमान नहीं बदला लेकिन अवस्था चेंज हो गया, यानी तरल से गैस में बदल गया। इस हीटिंग प्रक्रिया में पदार्थ का रूप परिवर्तन एक स्थिर तापमान पर होता है, इसलिए इसका तापमान किसी थर्मोमीटर से नहीं मापा जा सकता। लेकिन फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को नॉर्मल प्रेशर पर किया गया है, यानी धरती की वायुमंडलीय प्रेशर यानी 1 atm प्रेशर पर किया गया है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो गया, यानी 1 atm प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसी पानी को हम ज्यादा प्रेशर पर गर्म करें तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा, यानी प्रेशर बढ़ने से इसके बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आएगा। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर इस पानी को प्रेशर कुकर में गर्म करें तो अंदर का प्रेशर डबल होने पर यानी 2 atm होने पर 120 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू होगा। इसी तरह अंदर का प्रेशर बढ़कर 4.7 atm होने पर 150 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू होगा, यानी कि प्रेशर बढ़ने या कम होने पर इसके बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आता है। दोस्तों, रिफ्रिजरेंट की एक विशेषता इसके उबलने की क्षमता से है, जैसे कि कम तापमान पर उबलकर तरल से गैस में बदल जाना। तो फ्रेंड्स, कोल्ड स्टोरेज के हमारे पहले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। कमरे से सेंसिबल हीट ठंडे रिफ्रिजरेंट में चली जाती है, क्योंकि हवा को कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया हवा से किसी भी अव्यक्त गर्मी यानी लेटेंट हीट को भी हटा देती है, जिसे हवा में मौजूद नमी कंडेंस होकर तरल में बदल जाता है और ठंडे कॉइल की सतह पर जमा हो जाता है। ठीक उसी तरह एक ठंडे बियर के गिलास के बाहरी सतह पर वाफ कंडेंस हो जाता है। इवेपोरेटर कॉइल से आने वाली हवा न केवल ठंडी होती है बल्कि कॉइल में प्रवेश करते समय सूख भी जाती है। लेटेंट हीट ट्रांसफर मैकेनिकल रिफ्रिजरेशन सिस्टम की गर्मी को स्थानांतरित करने का मुख्य तरीका है। जैसे ही रिफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कॉइल के माध्यम से बहता है और ज्यादा से ज्यादा हवा कॉइल के संपर्क में आती है, लिक्विड रिफ्रिजरेंट का अधिकतर भाग उबल जाता है, जब तक कि सभी गैस वेपर में परिवर्तित न हो जाए। इस रिफ्रिजरेंट को उबालने और लिक्विड से गैस में बदलने के लिए आवश्यक लेटेंट हीट को हवा से लिया जाता है, क्योंकि यह कॉइल से होकर गुजरती है जिसे हवा को ठंडा किया जाता है। इस उबलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया जिसमें होता है उसे वाष्पीकरणकर्ता या इवेपोरेटर कहा जाता है। इवेपोरेटर वह जगह है जहाँ हम उस गर्मी को इकट्ठा करते हैं जिसे हम निकालना चाहते हैं। रिफ्रिजरेंट की प्राकृतिक गुणों और रिफ्रिजरेशन सिस्टम के इस हिस्से में कम दबाव के कारण लेटेंट हीटिंग प्रक्रिया कम तापमान पर होती है, क्योंकि इसमें लो प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है। बाहरी एयर या वाटर कूल्ड कंडेंसर में रिफ्रिजरेंट काफी स्थिर तापमान पर कंडेंस होता है। जैसे ही हाई टेम्परेचर वेफर रिफ्रिजरेंट क्वाइल के माध्यम से बहती है और क्वाइल के पार ठंडी हवा गुजरती है तो अधिक से अधिक गैस संघनित होकर लिक्विड में बदल जाती है, जब तक कि क्वाइल के निचले भाग में लिक्विड का एक ठोस कॉलम प्राप्त नहीं हो जाता। इस गैस को गाढ़ा करने या गैस से तरल में बदलने के लिए आवश्यक अव्यक्त गर्मी को रिफ्रिजरेंट से बाहर की हवा में खारिज कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षेपण या कंडेंसेशन कहा जाता है। तापमान जो कंडेंसेशन होता है वह इवेपोरेटर की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि कंडेंसर में बहुत अधिक दबाव होता है, यानी अधिक दबाव अधिक गैस, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा गैस कंडेंस होकर तरल में बदल जाता है। मैकेनिकल रिफ्रिजरेशन में समान रणनीति गर्मी को रिफ्रिजरेंट तक पहुंचाना है, फिर रिफ्रिजरेंट को उस स्थान पर स्थानांतरित करना जहां से गर्मी को हटाया जाना है। रिफ्रिजरेंट हीट ट्रांसफर को संभव बनाता है।
अमोनिया रेफ्रिजरेंट एक तरल पदार्थ है जो कम दबाव और कम तापमान पर इवेपोरेटर के भीतर वाष्पीकरण करके उष्मा उठाता है और फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कंडेंस होकर आउटडोर कंडेंसर की सहायता से बाहर की हवा में उष्मा को छोड़ता है। अधिक से अधिक गर्मी हस्तांतरित होता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट अवस्था चेंज करता है। इवेपोरेटर में तरल रेफ्रिजरेंट वेपराइजेशन की अपने लेटेंट हीट को अवशोषित करता है और इस प्रक्रिया में तरल से भाप में बदल जाता है। इसी प्रकार कंडेंसर के भीतर रेफ्रिजरेंट वेपराइजेशन की अपने लेटेंट हीट को खारिज कर देता है, इस प्रकार गैस से तरल में बदल जाता है। यह एक चक्र परिवर्तन है जो हटाए गए उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अभी तक हमने इवेपोरेटर और कंडेंसर इन दो कंपोनेंट्स के बारे में जाना है। इन दो घटकों की पहचान उस जगह के रूप में की जाती है जहां गर्मी का आदान प्रदान होता है। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व इन अन्य दो मुख्य घटकों को देखेंगे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व दो महत्वपूर्ण चीजों को होने देती है। कंप्रेसर हमें रेफ्रिजरेंट में मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा जोड़ने की अनुमति देता है ताकि गर्मी को चढ़ने के लिए मजबूर किया जा सके, और एक्सपेंशन वाल्व हमें एक ही प्रणाली में दो दबाव क्षेत्र बनाने की अनुमति देता है। हमारे उत्पादों को ठंडा रखने के लिए सिस्टम को कोल्ड रूम के भीतर से गर्मी को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारा रेफ्रिजरेंट का तापमान इवेपोरेटर के भीतर पर्याप्त रूप से कम है, कि हम जिस गर्मी को कोल्ड रूम से बाहर निकाल रहे हैं वह रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशोषित होने के लिए कॉइल के पार जाएगा। कोल्ड रूम के इवेपोरेटर कॉइल के भीतर रेफ्रिजरेंट का समान सेचुरेशन टेम्परेचर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए हवा की गर्मी जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है वह 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के तरफ रेफ्रिजरेंट में यानी हाई से लो टेम्परेचर की ओर चली जाती है, क्योंकि सभी तरल पदार्थों का दबाव और क्वथांक सीधे संबंधित होते हैं। इसलिए रेफ्रिजरेंट को उचित स्तर पर इसके दबाव को समायोजित करके वांछित तापमान पर वाष्पित किया जा सकता है। रेफ्रिजरेंट R22 का 20 डिग्री फ़ारेनहाइट सेचुरेशन टेम्परेचर 43 PSIG पर होता है। अब जब हमने गर्मी को रेफ्रिजरेंट में स्थानांतरित कर दिया है तो हमें इस गर्मी को बाहरी कॉइल में स्थानांतरित करना होगा। हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को पर्याप्त उच्च तापमान पर संघनित होना चाहिए ताकि गर्मी रेफ्रिजरेंट से बाहर की हवा में स्थानांतरित हो जाए, क्योंकि यह कंडेंसर कॉइल से होकर गुजरता है। जब बाहरी हवा का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो कंडेंसर के भीतर रेफ्रिजरेंट के लिए समान सेचुरेशन टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इवेपोरेटर में उचित दबाव का स्तर रेफ्रिजरेंट को वांछित तापमान पर स्थिति बदलने का कारण होगा। रेफ्रिजरेंट R22 के लिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट सेचुरेशन टेम्परेचर लगभग 260 PSIG पर होता है। उपरोक्त बताए गए हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्षेत्र दोनों को पूरा करने के लिए हमें कंप्रेसर और एक एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये दो डिवाइस हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड के बीच विभाजन बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। अक्सर इसे सिस्टम का हाई साइड और लो साइड कहा जाता है। कंप्रेसर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर यानी लगभग 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गैस को लेता है और इसे कंप्रेस कर देता है। कंप्रेसर गैस को सिस्टम के हाई साइड की तरफ डिस्चार्ज करता है जिसे दबाव लगभग 260 PSIG और तापमान लगभग 170 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को फिर से कंडेंसर कॉइल में स्थानांतरित किया जाता है। तब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस को उच्च दबाव वाले लिक्विड में कंडेंस किया जाता है। जब गर्मी को रेफ्रिजरेंट से बाहरी हवा में स्थानांतरित किया जाता है तब लिक्विड का तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, लेकिन प्रेशर 260 PSIG पर बना रहता है। कंडेंस लिक्विड को फिर से कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में स्थानांतरित किया जाता है। रेफ्रिजरेंट एक उच्च दबाव यानी लगभग 260 PSIG पर प्रवेश करता है और कम दबाव के तरफ यानी 43 PSIG के तरफ
लो प्रेशर में बाहर निकलता है। यह चक्र फिर से शुरू होता है। इवेपोरेटर के भीतर 20 डिग्री फारेनहाइट वाला रेफ्रिजरेंट 38 डिग्री फारेनहाइट वाले हवा से गर्मी को हटाता है। चूंकि रेफ्रिजरेंट इस गर्मी को उठाता है, इसलिए यह लगभग 30 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो जाता है और इस दौरान रेफ्रिजरेंट का दबाव 43 PSIG पर बनाए रखते हुए उबलकर वाष्प में बदल जाता है। अब रेफ्रिजरेंट चूंकि 30 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म हो चुका है, तो फिर से इसे कंप्रेसर के इनलेट में स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर से इसे दबा दिया जाता है और ये चक्र चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।